इस टॉपिक के अंदर हमने जो बड़ा एक सिंपल सा अपना हाउस प्लान जिसपे हम वर्क कर रहे थे इसमें कोई हमने अभी टेक्सचर नहीं डाला कोई ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं डाली जैसा कि मैंने आपको पहले थ्री डी के टॉपिक्स में बताया है कि जिस तरह आप टेक्सचर्स और मटेरियल्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ही आपके आप प्रोजेक्ट्स की वर्थ बढ़ती जाएगी उतना ही वो अट्रैक्टिव उसका आउटपुट बनता जाएगा लेकिन इसके साथ साथ पैरल उतना ही उसकी रेंडरिंग प्रोसेसिंग ज़्यादा होती जाएगी नॉर्मली जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त सिस्टम स्पेक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी इवन मल्टीपल लोग आई के अंदर भी आके बताते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं सो रेंडरिंग बेसिकली आपकी क्योंकि जितना मटेरियल आपने उसके अंदर एक्सटेंसिव अप्लाई किया है उसकी फाइनल आउटपुट वो बाहर निकाल रहा है उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसर के ऊपर डेफिनेटली लोड भी पड़ता है सो so, हमने क्योंकि अभी बिल्कुल एक बेसिक सा प्लान बनाया तो इतना कोई अच्छा अट्रैक्टिव इसका डेफिनेटली रेंडर भी नहीं होगा अभी हमने इसके ऊपर बड़े सिंपल से क्विकली टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं ज़्यादा डिटेलिंग्स हमने घर के अंदर अभी नहीं डाली हम स्ट्रीट लाइट सप्लाई कर सकते हैं इसके साथ विद इन हाउस हम विंडो की जब बात करते हैं हम डोर की बात करते हैं इंटीरियर्स उसके अंदर हो सकते हैं लेकिन हम बेसिक uh, स्टेप्स देख लेते हैं कि जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट रेंडर करना होगा तो वो स्टेप वाइज करते क्या हैं फिर वो डिपेंड करते हैं आपने उसके ऊपर कितना ही काम क्यों ना किया हो लेकिन हम कुछ बेसिक प्रोसेस uh, के स्टेप वाइज चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर डन विद योर ड्राॅइंग थ्री डिज़ाइनिंग और अब आप चाहते हैं कि आपने इसका सबमिशन जिस तरह फ्री लांसिंग में आप अगर काम कर रहे हैं कोई क्लाइंट आपका आ, वो इज सिटिंग इन, इन यू एस और एनी अदर कंट्री तो आपने आप फाइनल जब उसको वापस भेजना होगा तो डेफिनेटली आप उसका कोई ना कोई आ, जे या इस फॉर्मेट फॉर्म के अंदर इमेज उसको वापस सेंड कर रहे होते हैं या फिर अगर वीडियो भी किसी तरह का को कोई वर्क कर रहे हैं सो अब हम बढ़ते हैं थ्री डी मैक्स की तरफ ताकि हम अपने सिंपल जो हाउस प्लान पे वर्क कर रहे थे उसकी रेंडरिंग देखें कि कैसे करते हैं सो so, ये हमारे पास हमारी जो है वो ड्राइंग है जिसमें हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे हमने कुछ चीज़ों पे वर्क किया था कुछ टेक्सचर्स बदले थे हमने क्विकली कुछ ट्रीज़ लगा के एक प्लेन सरफेस भी बना ली थी सो so, हमने अभी रेंडरिंग करनी है तो सबसे पहले हम शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं रेंडरिंग का जो शॉर्ट की है और अगर आप नोट करें तो अभी हमने जैसे शिफ्ट क्यू प्रेस किया तो हमारा बैकग्राउंड क्योंकि ब्लैक है तो वो ब्लैक नज़र आ रहा है और ये हमारे सामने जो भी व्यू हमें नज़र आ रहा है ये हमारा हाउस हमें सामने से नजर आ रहा है सबसे पहले हम इसमें इन्वायरमेंट अप्लाई कर लेते हैं कि जब हम इमेज रेंडर करेंगे और हमारा ये सामने इमेज जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो बैकग्राउंड के अंदर इसके क्लाउड्स नज़र आने चाहिए या जो नॉर्मली uh, क्लाउड्स ही हम uh, देखते हैं बट आप जिस तरह का बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड आप यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं हम सबसे पहले सो so उसके लिए एट हम प्रेस करेंगे जैसे हमने जब इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स की बात करेंगे सो विल प्रेस एट क्या कहे आठ प्रेस करें आप तो ये एक नई टैब सामने ओपन है यहाँ पे अभी जो है इन्वायरमेंट मैप कोई भी नहीं है दिस इज़ नन यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये सेम जिस तरह हमने मटेरियल अप्लाई किया था हम बिट मैप पे आएंगे और बिट मैप से ये मैंने डेस्कटॉप uh, के ऊपर क्लाउड्स uh, जो हैं वो सिंपल गूगल से आप जब जाते हैं गूगल में आप क्लाउड्स लिखते हैं तो इमेज से कोई में मैंने क्लाउड जो है वो सेव कर लिए हैं अब हम जैसे ये ऑन करेंगे तो ये बैकग्राउंड में क्लाउड्स आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे सो ये सेव है यहाँ से हमने आल वी नीड टू डू इज हम ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद हम इसे यहाँ से ऐड करेंगे ऐड जैसे हमने किया ओके okay कर देंगे और इसको यहाँ से हम क्रॉस करते हैं अब हम दोबारा जो है वो शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं और हम चेक करते हैं आप नोट करें तो अब आपके जो जो भी इमेज है उसके बैकग्राउंड में यू कैन सी क्लाउड्स आर देयर नजर आ रहे हैं कि इसके पीछे कुछ इन्वायरमेंट अप्लाई हो चुका है अब हम यहाँ पे अगर आप नोट करें अब रेंडरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम अप्लाई करके रेंडरिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल वीरे है अब इससे आगे बहुत एडवांस लेवल पर हम जा चुके हैं सो so हम कोई चीज़ें प्लग इन कर सकते हैं बट अभी वी आर मेकिंग इट सिंपल क्योंकि ऑलरेडी थ्री डी एस मैक्स की अपनी काफ़ी हैवी सॉफ़्टवेयर है इसकी अपनी स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल नहीं किया बट अगर आपको रेंडरिंग आ चुकी है और फिर आप एडवांस रेंडरिंग की तरफ जाना चाहते हैं मोर डिटेल्ड रेंडरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो दैन यू कैन यूज़ मैनी अदर सॉफ्टवेयर इट्स अपू यू चॉइसिस आर देयर आप अप्लाई करें आप पीर इंस्टॉल करें उसके अंदर आप जब जाएंगे अगेन आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी जो रेंडरिंग मटीरियल सामने आएंगे उसके अंदर आप उनको डेप्थ में जाके देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात अट्रैक्टिव आउटपुट्स होंगे बट फॉर द टाइम बियंग हम कोई और प्लग इन इस्तेमाल नहीं कर रहे हम जस्ट थ्री डी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कैमराज हम लाइट भी लगा सकते हैं बट फिलहाल हम जस्ट कैमराज को यहाँ अप्लाई करते हैं जैसे ही आप कैमरा पे क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन हैं टारगेट कैमरा है फ्री फिजिकल सो हम टारगेट कैमरा को अप्लाई करते हैं आर्ट डब्ल्यू प्रेस करके अगेन व्यू पोर्ट्स के अंदर हम सारे व्यूज़ में आ जाते हैं हम कोशिश करेंगे कि टॉप वायर फ्रेम के अंदर जहाँ हमने विंडोज़ की प्लेसमेंट की थी जहीं पे हमने डोर्स की वहीं पे हम अपना जो है वो टारगेट पे क्लिक करके कैमरा लगाते हैं अब ये जैसे आपने फर्स्ट क्लिक की और आपने इसको आ, होल्ड करके रखना है माउस को और आपने ख़ुद से जाके ड्रैग करके किसी भी फॉर तो एग्जाम्पल ये टोटल कवरेज हो चुकी है सो मैंने अपना कैमरा अप्लाई कर लिया है एग्जैक्टली अगर आप नोट करें सो क्या किया है मैं अगर स्केप का बटन दोबारा हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन टारगेट पे क्लिक करके जिस तरह हमने डोर और विंडोज़ को प्लेस किया था और आपने माउस को होल्ड करके रखा और एग्जैक्टली ये हमने छोड़ दिया तो अब अगर हम सिलेक्शन टूल में अप्लाई करके और आ जाएं अपने व्यू के अंदर जहाँ पे हम रियलिस्टिक में काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैमरा है हम डब्ल्यू प्रेस करके एक्सेज के लॉन्ग इवन मूव भी कर सकते हैं इसको अगर आप चाहते हैं कि ये आप इसको मूव करना चाहें तो हम इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम सी एंटर कर दें तो हम कैमरा व्यू में आ जाएंगे जैसे ही मैंने सी एंटर किया तो फिलहाल मेरे कैमरे में जो कुछ सामने नज़र आ रहा है उसने वो वाला व्यू मुझे दिखा दिया है अगर अगेन हम वापस जाना चाहें तो हम इसको अपना व्यू चेंज कर लेते हैं पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं सो so, ये हमारे पास कैमरा जो है इंस्टा लगा हुआ है और ये कैमरा व्यू अगेन आप देखें सी एंटर किया तो ये हमारे पास और वापस हम पी एंटर करेंगे तो हम वापस अपने व्यू में आ चुके हैं यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कैमरा भी जो है वो इंस्टॉल्ड है लगा हुआ है सो so, यहाँ पे अब हम फाइनल अगर मूव करें ये हमारे पास कैमरा लग चुका व्यूज़ हमने देख लिए तो ये हमारे पास नीचे एनिमेशन के नीचे जहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कि बहुत सारी पैन की ऑप्शन मौजूद है वहीं पे हमारे पास फील्ड ऑफ़ व्यू भी मौजूद है अगर हम देखना चाहें सो अगेन यू कैन स्विच योर ऑप्शन यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शन सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने ये सारे ऑप्शन अगर आप नोट करें तो अब आप जैसे ही आप ये कमांड पर क्लिक कर रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू में तो आप आराम से डिटेल के साथ जो है वो नोट कर सकते हैं और आप अगर पैन की कमांड इस्तेमाल करके करीब से आएँ और ये देख लें आप सो यू कैन गो इवन यू कैन सी फर्दर डिटेल्स अब हमारे पास आ, हमारा जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल हाउस स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीट है इन्वामेंट हम अप्लाई कर चुके हैं हमने कर लिया है कैमरा हमने फिक्स कर लिया हुआ है फील्ड ऑफ व्यू भी हमने देख लिया है अब हम शिफ्ट क्यू प्रेस कर सकते हैं या हमारे पास रेंडर uh, से पहले हम रेंडर सेटअप देख के ऑप्शन भी देख लेते हैं तो जैसे ही मैंने रेंडरिंग uh, पे क्लिक की और रेंडर सेटअप में आया एफ टेन भी प्रेस करके आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है एक्चुअली ऑप्शंस जो मेरे इमेज की बनेगी फ़िलहाल हमने इसको बहुत लोएस्ट पिक्सल्स में रखा हुआ है जो हमारी इमेज की क्वालिटी होगी हम आ, वी कैन चेंज दिस क्वालिटी जितनी इमेज की क्वालिटी बढ़ती जाएगी उतनी प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगेगा और बाजारत ऐसा भी होता है कि आप रेंडर करना स्टार्ट करते हैं और आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है क्योंकि वो जितनी उसके ऊपर हम बर्डन और वो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो कैपेबल नहीं होता उस लोड को बियर करने का सो so, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं फिलहाल हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे लोएस्ट क्वालिटी के अंदर हम इसको जो है आ, वो रेंडर करने जा रहे हैं सो रेंडर रेंडर के लिए आप डायरेक्ट पे यहां भी क्लिक कर सकते हैं इवन प्रेस शिफ्ट क्यू सो so, जैसे हमने ये नोट करें शिफ्ट क्यू प्रेस किया तो so, ये हमारे पास एक जो है वो सिंपल सा रेंडर हमने इसके अंदर अप्लाई किया और ये हमें नजर आ रहा है अगेन अगर आप देखें थोड़ा सा भी हम जूम इन कर रहे हैं तो ब्लर uh, हो रहा है वो इमेज फट रहा है क्योंकि अभी हमने इसके पिक्सल्स को कुछ चेंज नहीं किया लोएस्ट क्वालिटी के अंदर हमने इसको यहाँ से सेव uh, किया है सो so, यहाँ पे जो है हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है सेव इमेज की हम कॉपी भी कर सकते हैं uh, हमारे क्लोन रेंडर फ्रेम है या हमारे पास प्रिंट इमेज की ऑप्शन भी है सो so, यहाँ से हम सेव इमेज पर क्लिक करते हैं तो आप नोट करें कि हमने कोई भी इसका फाइल का हम नाम रख लेते हैं सपोज दिस इज रेंडर सो वी आर हैविंग मल्टीपल फॉर्मेट्स सो हम यहाँ पर जेपी जी के अंदर सेव कर लेते हैं सेव करेंगे तो ये हमारे पास इमेज कंट्रोल ऑप्शन हैं ओके और ये हमारे पास हमारी इमेज जो है सेव हो चुकी है जेपी जी तो इस तरह हमने अपनी आगे जाके ड्राॅइंग्स को जब भी हम वर्क करेंगे उन्हें रेंडर करेंगे इन थ्री डी एस मैक्स सो ये हमारा इमेज जो है दैट हैज़ बीन सेव्ड इन जे पी जी और अब हम यहाँ पे जाके सिंपली जहाँ पे भी हमने उसे uh, रखा है ये क्लाउड्स के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था रेंडर के नाम से जैसे हम क्लिक करते हैं आप नोट करें तो ये हमारे पास जो है हमारा इमेज जो हमने सेव किया है फिलहाल हमने अगेन कुछ भी इसके ऊपर फॉर्मली वर्क नहीं किया सिंपल सा हमने एक जो है प्लेन अप्लाई करके एक दो ट्री लगा के और इन्वायरमेंट अप्लाई किया है अगेन जितनी आप डेप्थ में जाके डिटेलिंग में जाके काम करेंगे उतनी ही आपकी रेंडरिंग अच्छी होगी उतनी ही अट्रैक्टिव आपके डिस्प्लेज होंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमने फॉर्मली थ्री के अंदर जो है वो रेंडरिंग करके देखी है दो हमारा इमेज उस लेवल का या उतना क्योंकि हमने बहुत कम मटेरियल अप्लाई किए हैं और बड़ा क्विकली रेंडर भी हो गया ऐसे रेंडरिंग इतनी जल्दी नहीं होती नॉर्मली जब आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं जितने ज़्यादा टेक्सचर्स अप्लाई होंगे मटेरियल में उतने ही ज़्यादा आपका टाइम लग रहा होता है बट हमने मेन स्टेप्स देख लिए हैं और अभी हमने कोई प्लग इन इंस्टॉल नहीं किया डायरेक्टली हमने कैड थीडिस मैक्स के जो अवेलेबल ऑप्शनस हैं उसके अंदर रेंडर किया आई होप कि आप जब अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप और डिटेल्स में जाएंगे आप और डेप्थ्स में जाएंगे आप और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे और जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्री मार्केट में पैसे कमाएँगे